इडली सांभर और डोसा और मूंगफली की चटनी आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इडली बनाने के लिए सबसे पहले चावल दाल को भिगोना पड़ता है, एक दिन पहले से प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 3 कटोरी चावल लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा चावल लग रहा था, और 1 कटोरी भर करके मैंने यहाँ पे दाल ली है, जो ये बड़ी वाली कटोरी इसी से नाप के मेजरमेंट मैंने इसी से लिया है। तो यानी 3-4-1 का रेशो लेना है आपको, 3 कटोरी चावल है तो 1 कटोरी दाल होगी। दाल ये उड़द की दाल होती है बिना छिलके वाली, साथ ही मैंने 1 चम्मच भर के मेथी दाना डाल दिया है। इन तीनों चीज़ों को आपको एक साथ करके उसके बाद खूब अच्छे से क्लीन कर लेना आपको, 1 बार 2 बार 3 बार, क्योंकि बाद में इसे धोने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसी टाइम पे आप धो करके इसको भिगो दें। तो सुबह आप इसको भिगोना है और शाम को इसको पीसना है। तो चलिए सबसे पहले भिगोने वाली प्रोसेस करते हैं। इसको 2 बार मैंने अच्छे से पानी से क्लीन कर लिया, इसकी जितनी डस्ट थी जितनी गंदगी थी मैंने अच्छे से धुल करके क्लीन कर लिया। और जो ये इडली का चावल होता है ना, ये मोटा वाला चावल होता है, मोटे वाले चावल की इडली बढ़िया बनती है। तो बस इसको मैंने सुबह जो है मैंने भिगो दिया था, अभी ये शाम का टाइम है, यानी शाम के 6 बजे बज रहे होंगे, लगभग टहल के आने के बाद का वक्त होता है। तो चावल दाल को मैंने पानी से निकाल लिया है कढ़ाई में, और इसको जो जूस वाला जार होता है इसमें बहुत अच्छे से पिसा जाता है, वैसे जिसमें हम मसाला पीसते हैं उसमें भी पीस लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा करके हम अच्छे से पीस लेते हैं, बहुत बारीक पिसता है इसमें और बहुत जल्दी पिस जाता है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा मैंने चावल डाला, थोड़ा सा पानी डाला और बढ़िया इसका पेस्ट बना करके तैयार लिया। इडली सांभर का पेस्ट कैसे बनता है ये आप लोग यूट्यूब पर देख लीजिए, नहीं तो आपके सामने आप इस तरीके से पतला मतलब ऐसे ना बहुत पतला होता है ना बहुत मोटा होता है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीस लें, पीस करके इसको ओवर नाइट सोक रख दें और इसमें खूब अच्छे से फर्मेंट उठ जाएगा। ये नेक्स्ट डे अगले मॉर्निंग की क्लिप है। सबसे पहले सुबह उठ करके मैंने यहाँ पे थायराइड की गोली ले ली है, जो कि खाली पेट ही खाना होता है। सुबह क्या होता है ना, थायराइड की गोली ले लेने से बहुत अच्छा होता है, इसके बाद आप चाय पानी पी सकते हो। थायराइड की गोली लेने से कि 40 मिनट बाद तक मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ, इसलिए मैं सुबह ले लेती हूँ। सुबह का टाइम है और सबसे पहले वॉक कर आते हैं, बाकी के काम होते रहेंगे, आज छुट्टी वाला दिन है। ये मुझे ऐसे लग रहा था चरी का पेड़ है या फिर जो मकई का पेड़ है उसका पेड़ है, मैं पूछ रही थी ये चरी का पेड़ है, चरी यानी बाजरा का पेड़ है, ये मकई का पेड़ है। और सुबह जो हम खुद को टाइम देते हैं, वक्त देते हैं ना, ये मतलब खुद को एक जैसे तोहफे जैसे देते हैं, ये आपको पता नहीं होगा, आप करके देखो, खुद के लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद होता है, हम अपने टाइम को कैसे नियंत्रण में करेंगे, कैसे अपने आप में खर्च करेंगे, ये सुबह उठ करके पता चलता है। जैसे सुबह का टाइम जो होता है ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरा होता है सुबह का टाइम। वॉक के लिए देखिए कितने सारे लोग वॉक करने के लिए आते हैं सुबह के टाइम में, और सुबह का जो वॉक होता है, ऐसा नहीं शाम का वॉक नहीं सही होता, लेकिन सुबह जो हम उठ जाते हैं ना, तो हमारे सारे काम टाइम से हो जाते हैं। जैसे देर से उठने से सारे काम लेट होते हैं, लेट खाना, लेट नहाना, लेट पूजा, लेट घर की साफ सफाई। तो हमारे शास्त्र में जो होता है ना, सुबह जो 4 बजे उठने का बताया गया है ना, वो बहुत ही अच्छा है, मतलब खुद के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले सुबह उठ करके वॉक पे चले गए, बच्चे उठेंगे नहीं क्योंकि आज तो उनकी छुट्टी है भाई। तो फिर मैंने कहा ठीक है, बच्चे नहीं उठेंगे, चलिए अपना चाय पानी पीते हैं। हम और आप उठे हैं, अपने लिए चाय, पतदेव जी के लिए चाय यहाँ पे रख दी है, बस हल्की सी चीनी डालते हैं, हमारे यहाँ 2 किलो चीनी आ जाती है ना, तो वो 2 से 2.5-3 महीने चलती है, ख़त्म नहीं होती। आधी चम्मच चीनी डाल करके, 2 चम्मच चाय पत्ती डाल करके, अदरक डाल करके, दूध डाल करके चाय रख दी है। चाय का मज़ा तभी आता है जब खूब अच्छे से खौली है, इस तरीके से चाय ऊपर से ऐसे मलाई सी पड़ जाती है ना, तभी चाय पीने में स्वाद आता है। आइए आप लोग भी हमारे साथ चाय पी लीजिए, सुबह की चाय। हम लोग बहुत ज़्यादा नमकीन तड़कता भड़कता नहीं खाते हैं, सुबह की मतलब 2-2 घूंट चाय हो जाती है सादी सिंपल। और पद्देव जी तो चना खा लेते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं लेती हूँ, तो मैंने कहा चलो भाई 1 गिलास पानी और पी लेते हैं, सादा सिंपल ही पानी। आजकल मैं फैट ड्रिंक नहीं ले रही हूँ काफ़ी दिन से, आई होप मुझे लगता है 10-15 दिन हो गए होंगे। सुबह 2-3 गिलास मुझे जितना प्यास लगी होती है पानी लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी चाय, उसके बाद घर के काम में लग जाती हूँ। तो आज जैसा कि इडली सांभर ये सब बनना था, तो उसके लिए चटनी बनानी थी। चटनी मैं ज़्यादातर मूंगफली की बनाती हूँ, नारियल का कॉर्न लेने जाए और कॉर्न ले आए, इससे अच्छा होता है कि मूंगफली घर में होती है अवेलेबल, इसको भून करके इसका छिलका उतार करके बस इसकी चटनी बना दो, बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट होती है। तो बस यहाँ पर मूँगफली भून दिया है, इसका छिलका ठंडा होने के बाद मैं छील करके निकाल लूँगी। तब तक मैं आगे का काम, नेक्स्ट काम देखती हूँ, जो कि आज कपड़ा धुलने का काम था। सूर्य भगवान इतने
मतलब इतनी गर्मी मैं बता नहीं सकती शब्दों में कितनी गर्मी थी। मैंने कहा आज नहीं रहने देते कपड़ा धुलने के लिए। फिर मैंने कहा इतनी तेज़ धूप है ना, कपड़े बहुत अच्छे से धुल जाएंगे और सूख जाएंगे, चलो धुलते हैं। तो अभी ये सुबह के 7 बजे का टाइम है, लेकिन धूप इतनी तेज़ थी ना कि बता नहीं सकते, इतनी गर्मी कि बहुत गर्मी थी। बच्चे उठे नहीं थे, मैंने कहा ये जो पहले के कपड़े हैं ड्रेसेज वगैरह जो मशीन में इकट्ठा करके रखे हैं पहले इनको डाल देते हैं, उसके बाद जब बच्चे उठेंगे तो चद्दर उद्दर डालेंगे, पहले ये धुलते जाएंगे। और इतना तेज किए हैं भगवान, इतना तेज धूप किए हैं कि एकदम जलाने वाली। और सारे काम ख़त्म करते अभी बज चुके हैं सुबह के 10:30। काम ही इतने ज़्यादा थे कि ख़त्म नहीं होते। लाइट चली गई, कपड़े सुखाते सुखाते जितने सुखाए थे मैंने डाल दिए हैं, और धूप इतनी तेज़ है ना कि बिना सुखाए ही मैंने सारे कपड़े डाल दिए। जो ड्रायर में सूखे थे उनको डाल दिया, जो नहीं सूखे थे उनको ऐसे ही फैला दिया। धूप बहुत ज़ोर की है, तेज़ की है, और जो है कपड़े सूख जाएँ। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज से हरी मिर्ची निकाली है, आधा मैंने लौकी रखा था उसको निकाला है, एक मेरे पास थी गाजर उसको निकाला। अगर आपके पास बीन्स है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, बैंगन ऐड कर सकते हैं, और जो भी आपको जैसे सांभर, प्लेन सांभर भी बनाया जाता है सादा बिना सब्जियों वाला, सब्जियां डाल के सांभर बनाया जाता है। जैसे आपको पसंद है वैसे बनाएं, जैसे आप खाते हैं जैसे आप पसंद करते हैं। सांभर सिंपल तरीके से भी बनता है, सब्जियां डाल के भी बनती है, और बहुत सारी सब्जियां डाल के बनती है। जितनी आपकी फ्रिज में अवेलेबल है सब्जियां, जो जो आप डालना चाहते हैं सब कुछ, आप लौकी, कद्दू, गाजर, बीन्स, और क्या कहते हैं बैंगन, और वो डोमेस्टिक ड्रिंक जैसे सहजन की फली जिसको कहते हैं वो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ाया है, इसमें 1 चम्मच देसी घी डाला है, अदरक लहसुन हरी मिर्ची को मैंने कूट करके डाला है, और ऐसे सिंपल बना सकते हैं तो बिना मिर्ची वाला बना सकते हैं, प्याज टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपको जैसा पसंद हो वैसे बना सकते हैं, सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। फटाफट से मुझे 1 घंटे में इडली सांभर चटनी सब कुछ बनानी है, फटाफट से मैं कैसे बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कुछ नहीं करना है, 1 सीटी में आपका सांभर बन जाएगा। जब तक आपका सांभर बनता है तब तक आप फटाफट से मूँगफली की चटनी बना लें, और इडली गर्मा गर्म आप बनाते रहें, बच्चे लोग आपके परिवार में गेस्ट हों, बच्चे हों, सब लोग खाते रहें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने दाल और साथ में सब्जियाँ, साथ ही थोड़ी सी हल्दी, सांभर मसाला सब कुछ ऐड कर दिया है, और तुरंत मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ, और नमक डाल के मैं 1 सीटी लगाऊंगी। तब तक हमारा जो है सांभर 1 सीटी में बन के रेडी हो चुका है। दूसरी ओर मैं भगोने भर के पानी चढ़ा दूंगी, क्योंकि सांभर जो है ना अभी मैं थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, बाद में इसमें पानी और ऐड करूंगी। तो सबसे पहले इसमें 1 सीटी लगने के लिए इसको छोड़ देते हैं। जब तक 1 सीटी आएगा तब तक हम फटाफट से चटनी की तैयारी कर लेते हैं। और हाँ, मैंने गर्म पानी एक तरफ मैंने चढ़ा दिया। तो सबसे पहले चटनी बनाने के लिए इसमें धनिया की पत्ती, अदरक लहसुन हरी मिर्ची, जैसे भी आपको चटनी बनानी, मैंने ये नहीं कहा कि आप मेरे तरीके से बनाएं, जैसे आपको पसंद वैसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ, आप इस तरीके से बनाओगे तो भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। इसमें मैंने नमक और क्या कहते हैं इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची, नींबू, और इसमें नमक स्वाद अनुसार, धनिया की पत्ती, सब कुछ ऐड करके इसको मैं पीस लाऊंगी, क्योंकि लाइट चली गई है, लाइट है नहीं, तो मैं
इन्वर्टर से चटनी पीस लाई। पता नहीं कब लाइट आती, मैं कब तक इंतज़ार करती, मेरे पास टाइम कम था, भूख सबको जोर की लगी थी क्योंकि आज मैंने नाश्ते में कुछ नहीं बनाया था। मैंने सोचा एक बार नाश्ता बनाऊं, टाइम कम है तो मैं चलो इडली सांभर ही बनाती हूँ। यहाँ पर हमारी चटनी बनके तैयार हो चुकी है, एक सीटी आने के बाद हमारा सांभर भी रेडी है। तो चटनी रेडी है, सांभर रेडी है, फटाफट से इडली में 12 मिनट में आपकी एक इडली जो है बनके तैयार हो जाती है, मतलब एक बार में। यहाँ पर मैंने इमली और गुड़ का पानी रात को ही भिगो करके रख दिया, फटाफट से इमली गुड़ का पानी डाला है। नीचे का जो तलछट होता है आप उसे डालें क्योंकि कभी कभी उसमें किटकिटाहट होती है। तो यहाँ पे इमली गुड़ का पानी डालने के बाद फटाफट से मैंने पानी और डाल दिया, जितना आपको गाढ़ा पतला पसंद है उतना ज़्यादा आप बना सकते हैं। तो क्या है, सांभर थोड़ा सा पतला ही पीना पसंद करते हैं। इसमें मैं 1.5 चम्मच मसाला सांभर भर के और ऐड कर दे रही हूँ क्योंकि मसाला मुझे पानी बढ़ाने पर कम लग रहा था। अभी इसको हम एक बार खौलाएंगे। सांभर जितना खौलाते हैं ना उसका स्वाद उतना ही आता है। तो जितना सांभर खौलाएंगे, बार बार खौलाएंगे, ठंड के मौसम में ना सांभर पीने का अलग ही आनंद होता है। तो बस एक बार इसको मैं चला देती हूँ। नमक आप चख लें, कम हो तो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो एक तरफ हमारा जब तक सांभर पक रहा है तब तक हम फटाफट से तड़के की तैयारी कर लेते हैं। 10:30 बजे मैंने बनाना शुरू किया था, यानी 11:30 बजे तक हमारा दोपहर का लंच, नाश्ता, इडली सांभर जो भी कहें वो रेडी हो चुका था। एक घंटे में मैंने सब कुछ बनाया क्योंकि बहुत जल्दी बन जाता है। जितना भी टाइम लगता है सिर्फ इडली बनाने में टाइम लगता है, सांभर चटनी में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तड़के में मैंने सूखी लाल मिर्च, राई के दाने और करी पत्ता का लगाया। आपके पास हींग है तो हींग भी ज़रूर डालें, अवेलेबल नहीं थी हींग, मैंने नहीं डाला। ऊपर से दोनों का तड़का मैंने साथ में रेडी कर लिया है, टाइम की बचत होगी और फटाफट से काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली की चटनी में तड़का लगा दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इधर हमारा सांभर भी खोल करके अच्छे से रेडी हो चुका है, आधा तड़का मैंने इसमें लगा दिया। तो हुई ना जल्दी, तो आप इस तरीके से बनाइए, बहुत सारी झंझटों से मुक्ति पा जाइए। लेकिन हाँ, जो हम जिस दिन सांभर इडली बनाते हैं ना उस दिन भाई साहब भयंकर बर्तन निकलते, इतने बर्तन की पूछो मत। ये देखिए टिम टिम दिख रहा है ना, सांभर बहुत अच्छे, ना दाल बहुत ज़्यादा गली है, ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कभी कभी होता है ना बहुत ज़्यादा दाल गल जाती, दिखाई नहीं देती। और यहाँ पे इडली कुकर जो है मैंने इसमें थोड़ा सा पानी, नींबू का ये जो छिलका था मैंने निकाला था उसको ऐड कर दिया। नींबू का छिलका डाल देने से हमारा कुकर काला नहीं होगा। आपको पता होगा जैसे ही हम किसी बर्तन में गर्म पानी करते हैं वो बर्तन बिल्कुल काला हो जाता है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा नींबू का छिलका है उसको डाल देने से इडली का जो कुकर है वो काला नहीं होगा। और ये देखिए कितने अच्छे से ये फर्मेंट हो चुका है, रात भर ओवरनाइट मैंने इसको फर्मेंटेशन के लिए रखा था, ये इतने अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। इसमें इनो सोडा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बिना इनो बिना सोडा के ये बहुत ही फ्लफी स्पॉन्जी सॉफ्ट इडली बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको निकाल लिया है क्योंकि आज मैं डोसा भी ट्राई करूँगी, बच्चे की डिमांड पर मम्मी डोसा बनाओ आप बनाती हैं। मैंने कहा चलो भाई ट्राई करते हैं, ट्राई करने में हमारा क्या जाएगा, दो बार तीन बार ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे बनने लग जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है क्योंकि जो डोसा बनता है ना वो उसका घोल थोड़ा सा पतला होता है, उसमें नमक नहीं होता है। और सारे इडली स्टैंड में मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऑयलिंग कर दिया है। ऑयलिंग करने से क्या होता है ना, इडली स्टैंड का जो बैटर होता है ना ये चिपकता नहीं है, जो घोल होता है ये मोल्ड में चिपकता नहीं है, अच्छे से ये क्लीन निकल जाता है। तो सारे में मैंने तेल अच्छे से ऑयलिंग कर दिया है, उसके बाद सारे प्लेट में मैंने अच्छे से फिल कर दिया है जो मैंने घोल तैयार किया था इडली का, और उसके बाद इसको मैंने सेट कर दिया है एक के ऊपर एक। और पानी हमारा यहाँ अच्छे से खोल चुका है, जब हम इडली का इसको रखेंगे उसके बाद घड़ी देख के 12 मिनट आपको इसमें छोड़ देना, 12 मिनट बाद गैस को बंद कर देना, 12 मिनट आप में अच्छे से पक जाएगा। दूसरी तरफ मैंने फटाफट से तवा चढ़ाया है, तवे को भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। देखिए आज मैं पहली बार बना रही हूँ डोसा, तो हंसना मत आप लोग, बनेगा नहीं पहली बार, मुझे फैलाते नहीं बन रहा था, ये तवे में चिपक नहीं रहता है क्योंकि ये आयरन का तवा है, डोसा तवा होता है तो शायद थोड़ा बहुत अच्छे से बनती है। लेकिन हाँ पहली बार जैसे बनाया था जैसे चिपक जाता था, निकलता नहीं था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, ये अच्छे से निकल रहा था। बिटिया कह रही थी पलटो पलटो, मैंने पलट दिया, दूसरी तरफ ही अच्छे से पका नहीं था, हालांकि ये क्रिस्पी बहुत हो रहा था। आयरन के तवे पे जो हम डोसा बनाते हैं बहुत क्रिस्पी होता है, बहुत खाने में स्वादिष्ट होता है। मैंने कहा चलो दूसरा फैलाते हैं, तीसरा फैलाते हैं, चौथा फैलाते हैं, आज हम ट्राई कर ही रहे हैं तो तब तक ट्राई करते हैं जब तक ये अच्छे से बन नहीं जाता। दूसरा भी ये निकल तो बहुत अच्छे से रहा लेकिन उतना क्रिस्पी बना नहीं इसमें आ रहा, जैसे गोल्डन गोल्डन हम देखते हैं उस तरीके से नहीं बना था। ये मैंने तीसरा बनाया और चार मैंने जो है डोसा बनाया, ये लास्ट वाला जो था थोड़ा सा अच्छे से फैलाने में भी अच्छा था और बना भी काफ़ी अच्छा था। तो मैंने कहा ऐसे धीरे धीरे करके जब हम बनाने की आदत डालेंगे ना तो ये धीरे धीरे बनने लगेंगे। तो ये देखिए चौथा डोसा हमारा कैसे अच्छे से क्रिस्पी भी हुआ है,
साइज में भी बड़ा है, खाने में भी अच्छा था और बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी भी हो गया था। तो बस 4-5 मैंने डोसा ट्राई किया, मैंने कहा अगली बार जब मैं फिर से इडली बनाऊंगी फिर से मैं ट्राई करूंगी। अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बनाया था, बच्चों का डिमांड थी तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, हमारा भी हाथ सेट हो जाएगा धीरे धीरे। और मैं डोसा वाला तवा लाऊंगी ना तो उस पर अच्छे से बनेगा। और 12 मिनट बाद हमारी इडली भी बनके तैयार हो चुकी, सब लोग खाने बैठ चुके हैं और जैसे ही इडली गर्मा गर्म बनती है सब लोग खाना शुरू कर देते हैं। भाई हमारे तो इतनी प्यास लग रही थी ना, इतनी प्यास लग रही थी क्या ही बताएं। यहाँ पे पद्यो जी के लिए थाली लगाई है और यहाँ पे 4-5 इडली खाए, उन्होंने भी नहीं खाया, बहुत गर्मी है, 4-5 इडली मैंने इसमें से मैंने खा ली। मैंने कहा अलग से थाली क्या ही लगाना, जब आप नहीं खाएंगे तो हम खा लेंगे। तो 4 से 5 इडली वो खाए और 4-5 इडली मैंने खाई। आप लोग भी आ जाइए और हमारे साथ इडली सांभर का लुत्फ उठाइए। और उसके बाद जो भयंकर किचन की साफ़ सफाई होती होती वो तो पूछने लायक बात नहीं है। खूब अच्छे से क्लीन करके रगड़ रगड़ के मैंने साफ़ किया, बर्तन तो भयंकर निकले ही थे, उनका कोई जवाब नहीं था। प्यास मुझे आज इतनी लग रही थी, इतनी लग रही थी, ऐसे गर्मी हो रही थी। अगर मुझे ये पहले से पता होता ना कि इतनी ज़्यादा अगर आज गर्मी होने वाली है ना तो मैं इसकी तैयारी नहीं करती। इसके एक दिन पहले मौसम ठंडा था तो इडली सांभर खाने के बाद ना मुझे बहुत प्यास लगती, मुझे ही नहीं बच्चों को भी बहुत प्यास लगती। इडली सांभर खाने के बाद ना जो लाल मिर्ची होती है, हरी मिर्ची होती है, मूंगफली जो होती है ना उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और आज पूरा दिन फुर्सत नहीं है, बर्तन वर्तन धुलने के बाद किचन उचन साफ करने के बाद बच्चों से बोल रखा था बच्चे चादर डाल देना, लेकिन बच्चे कहाँ ही सुनते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो भाई अब कपड़े करने हैं फोल्ड और कपड़ों पे करना है प्रेस, तो प्रेस तो मैं नहीं करती भैया, फोल्ड मैं कर देती हूँ। जो फोल्ड करने वाले होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, चादर वो लाते हैं, बिछाते हैं और उसके तभी तो हम बाहर से कपड़े लाएंगे, एक एक करके रखेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सबसे पहले इनको झाड़ वार के सबसे पहले इनको बिछा करके कमरा सेट करते हैं। आजकल जब मैं वॉक पे जाती हूँ ना तो रास्ते में इनसे मुलाकात हो जाती है, ये पीछे पीछे लग जाते हैं। कितना भी डांटो ना, साथ में ना चलो, लेकिन ये मानते ही नहीं। फिर डांट वाट के इनको इनके घर में करके फिर मैं वॉक पे निकल चुकी, क्योंकि ये भी बहुत है छोटे और मुझे डर लगता है कुत्तों से या फिर गाड़ी वाड़ी बाइक वाइक के आगे आ जाए ना, दौड़ते रहते हैं छोटे छोटे बच्चे। फिर मैं दूध का डिब्बा रखा और वॉक पे निकल चुकी अपनी सखी सहेली के साथ। और बहुत अच्छा लगता है वॉक पे जाना, ठंडा ठंडा मौसम, दिन भर तो भाई साहब इतनी भयंकर पता नहीं कौन सी ऐसी धूप हो रही है, ऐसे लग रहा है कि एकदम जलाने वाली। दो दिन भर पूरे धूप होगी, सुबह शाम मौसम ठंडा रहेगा और ये है बीमारी का घर। ऐसे में आप बच के रहें, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में ना निकलें और बहुत ज़्यादा एसी उसी में रहे ना, तो भी जैसे दिन भर पूरी धूप रहती है बाहर निकलते हैं तो इस मौसम में ऐसा ही होता है। मौसम बदलता है ना तो सर्दी जुखाम बुखार ऐसे लग जाता है, क्योंकि मौसम ही अजीब सा हो रहा है। दिन भर खूब सारी धूप हो रही है, सुबह शाम मौसम ठंडा हो जा रहा है। और वॉक से आने के बाद, दूध लेने के बाद, सबसे पहले दूध छान कर मैं चढ़ा दूँगी दूध गर्म होने के लिए और देखती हूँ डिनर में क्या बनेगा। इडली और सांभर बचा हुआ है, सब लोग वही खाएँगे या फिर कुछ और। लेकिन इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पेंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में।